नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश चुनावों का देश, देश आरोप प्रत्यारोप का देश, देश विकास का देश और देश विवादों का देश। विवादों का इसलिए बोल रहा हूं, कई बार ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिन पर जमकर राजनीति होती है, और राजनीति भी ऐसे जिसमें हम लोग सब मानव का धर्म ही भूल जाते हैं कि मानवता होती क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है वो होती है मानवता, पर धर्म के बावजूद हम मानव धर्म को भूलकर राजनीति शुरू कर देते हैं। खैर, राजनीति भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ राक्षस टाइप के लोग अगर रहेंगे और आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते रहेंगे तो उनके एक ही नाम लिया जाएगा, वो कहा जाएगा पिशाच, यानी राक्षस। अगर किसी की हत्या करके उसको टुकड़ों में काटना मानव जीवन बोला जाएगा, उसको मानव बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मानव शब्द के साथ कितना एक संतोष नहीं होगा। मानव संतोष, मानव शब्द के साथ ये व्यवहार गलत होगा, क्योंकि मानव शब्द की जो पराकाष्ठा होती है उस पर तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। चीजें क्या है, हत्या करना, टुकड़ों में बांट देना, सूटकेस में भर देना, ये किस प्रवृत्ति की तरफ मानव धर्म जा रहा है पता नहीं। फिलहाल हमारे देश में कोई भी मामला होता है उस पर चर्चा जरूर होती है और राजनीति जरूर होती है, और राजनीति हो भी क्यों ना, चुनाव पास आ गए हैं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव, गुजरात में चुनाव, हिमाचल में चुनाव, उपचुनाव और साथ ही साथ 2024 का आम चुनाव। राजनीति चरम पर है और चरम पर है आरोप प्रत्यारोप का दौर। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हाल में आपने जो दिल्ली का एक मेहरौली का मामला देखा आपने, जो समय चर्चा का विषय बना हुआ है, सिद्धा भालकर और आफताब अमीन का। आफताब अमीन ने हत्या की, हत्या के बाद सिद्धा भाकर को 35 टुकड़ों में काटा और मांस के उन टुकड़ों को रखने के लिए फ्रीजर खरीदा और पॉलिथीन में पैक कर करके बारी बारी से मेहरौली के पास जंगल में फेंकता जा रहा था। खुलासा हुआ, खुलासे के बाद पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, उसके बाद तमाम तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं जिनमें वो टुकड़े भी बराबर होते नजर आ रहे हैं। और इस पर राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोगों के बयान आए हैं कि एक मुहिम के तहत, लव जिहाद मुहिम के तहत, धर्मांतरण कराने के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। घटना क्या थी, कारण क्या था, इसको तो कत्ल करने वाला जानता है, टुकड़े करने वाला जानता है, या वो जानती थी जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई। पर यह मामला फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने एक बयान दे दिया है, उन्होंने इस मामले को फिर हवा देते हुए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े बयान तो नहीं आए थे, उन्होंने कहा है कि ये कोई अलग मामला नहीं है, इससे पहले भी अंतर्जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह हमारे देश में होते रहे हैं और इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को यहाँ पर टारगेट किया, लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये केवल और केवल एक अपराध है। चर्चा का विशेष महत्वपूर्ण है और पहले बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते। घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जो आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उनके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है। तो यहां हमने बयान सुना कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लंबा राजनीतिक अनुभव, जिनका नाम अभी कुछ समय पहले हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुन रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, और अब उन्होंने गुजरात चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा से जहां पर राहुल गांधी एक अलग तरह का एक मुकाम हासिल करते नजर आ रहे थे, एक अलग जनाधार उनको मिलता नजर आ रहा था, इस तरह से बयानों से निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कतें पैदा होंगी। बयान हमने देखा, चर्चाएं हमने देखी, और निश्चित रूप से मुद्दा अब इतना चर्चित हो चुका है कि फिलहाल ये देश की प्रमुख खबरों की सुर्खियों बना हुआ है। जब तक टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट की भी तैयारी चल रही है, जब तक तमाम तरह के खुलासे होते रहेंगे, तब तक तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी,
और निशानदेही पे तमाम तरह के सबूत इकट्ठे होते रहेंगे। तब तक ये श्रद्धा वाकर और आपता ममिन वाला बयान और मामला चलता रहेगा। ऐसा एक मामला राजधानी लखनऊ में भी हुआ था, जहाँ पर सूफियान के द्वारा एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि छत से फेंक कर उस लड़की को, इसका नाम निधि गुप्ता था, उसको मार दिया गया। क्या है सच्चाई, क्या है और तथ्य क्या है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानवता यहाँ इस तरह के कृत्यों से शर्मसार होती है, और शर्मसार होती इसलिए भी है क्योंकि जब इस पर राजनीति शुरू हो जाती है, और जब राजनीति शुरू होती है तो हम जैसे खबरन बीसों का भी एक धर्म है या कर्तव्य है कि इस मुद्दे पर चर्चा करना और इस डिबेट को सार्थक करना। खैर, हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, जल्दी आपको रूबरू कराने वाला हूँ। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करने वाले मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा दूँ। हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा के रूप में अश्विनी शाही भाई जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अभिमन्यु त्यागी भाई जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म के रूप धर्मगुरु के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा जुड़ चुके हैं, वर्ष पत्रिका के रूप में भाई आमिर साबरी जुड़ चुके हैं, और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में नईम सिद्दीकी भाई जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो अभिमन्यु त्यागी से रहेगा। त्यागी जी भाई, या जोड़ो यात्रा भी चल रही है, गुजरात में भी रैली कर चुकी है राहुल गांधी, पर इस तरह जो बयान है ये समझ में नहीं आया, क्या जरूरत थी इस बयान की और आवश्यकता क्या है? जब बड़े बड़े बयान इस पर हो चुके हैं, राजनीति भी हो चुकी है, अब तो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वही हम लोग लगातार देख भी रहे हैं, पर इस बीच में इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि इस तरह के बयान अब इस समय नहीं चाहिए जब गुजरात चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी अपना जनाधार बनाने में लगे हुए। कैसे देखते हैं आप? श्रीवास्तव जी, आपको और पैनल मौजूद सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए, कानून का राज जो कायम होगा वो पुलिस के द्वारा होगा जी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो पुलिस करेगी जी, और दंड देने का काम कोर्ट का है जी। लेकिन कहीं कोई अपराध घटता है जी, और उस अपराध क्या वो वेल प्लान्ड है, क्या वो धर्म के खिलाफ है, क्या जाति के खिलाफ है, ये सब पहलू देखकर जी अगर पॉइंट बनाए जाएंगे तो इस वाले मामले में भी, जिस मामले पर आदरणीय गहलोत साहब ने बोला है जी, तो उसमें कहीं कोई एंगल सांप्रदायिकता का नहीं है, उनकी मित्रता थी। अच्छा, यह अपराध का मामला है, इस पे कानून अपनी कड़ी सजा देगा, कानून पर पूर्ण तौर पर विश्वास है। अच्छा, लेकिन इस पर हिंदू मुसलमान, इस पर बंटवारे की बात, इस पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जी, बस ये निवेदन है सब। नहीं तो वो उन्हीं ने कहा ना, ये धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, उन्हीं का बयान है, तो आप तो खुद शुरुआत कर रहे हो इस बात की। ये लगातार ट्रायल मीडिया ट्रायल भी चलाया जा रहा जी, लगातार सोशल मीडिया पर भी इस तरह से चलाया जा रहा जी, कि क्योंकि चुनाव है, गुजरात का भी चुनाव है। अच्छा, आगे भी चुनाव होंगे तो ये मुद्दे बनाए जाते हैं, इसका लाभ लिया जाता है, कौन लोग कहा नहीं है सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं है बात, उन्होंने ये बात कही नहीं है, अभी आपको सुनाया जी, ये दुर्घटना घटी है। अच्छा, गलत हुआ है, हम निंदा करते हैं, लेकिन इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मुद्दे पर। मैं कौन राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति कांग्रेस कर रही है, चली गई। जब आप कांग्रेस बोल रही है कि भाई इस तरह अपराध नहीं होना चाहिए, किसी धर्म को यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा, मैं थोड़ा राजनीति कर रहा हूँ, उनको सोचते थे बयान देने के पहले। तो यही कहना चाह रहे जी कि ऐसी बातों पर राजनीति ना करके अच्छे मुद्दे, अच्छा रोजगार पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर बातें हो बहुत, तो वो सार्थक मुद्दे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीति की। तो आप गहलोत जी के बयान का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं जी कि जिस तरह से इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, अच्छा उन्होंने उसके बारे में बात रखी है जी, और हम अपनी बातों को उनके साथ भी मिलाते हैं। अरे हमें ये बताइए, समर्थन कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं, ये बताइए हमको, ये बताइए। देखिए, उन्होंने बातें अगर आप उनकी सुनोगे, आपके अभी चैनल पर भी चला जी, की बातें उनकी सुनोगे तो कहीं कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, कहा इसको सांप्रदायिक रंग नहीं, इस बातों को समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सुनिए भाई, इन्होंने बता दिया भाई, आप भी बयान सुन लिया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे ख्याल से इस समय इस बयान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय कांग्रेस अपनी अलग प्रयास में लगी, गुजरात में भी लगी हुई है, जोड़ो यात्रा भी चल रही है, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। कैसा मानते इस तरह के बयान से क्या होने वाला है, और क्या समय ये समय है इस तरह के बयान देने का जी? देखिए गौरव भाई जी,
आज देश में जो है एक साजिश ऐसी चल रही है जो साजिश में लव जिहाद करने वालों को, अभी कुछ दिन पहले बहुत बयान आया था, अच्छा, एक लड़का पकड़ा गया और कह रहा है कि मुझे 50,000 रुपया मस्जिद से मिलते हैं, अच्छा, लड़की पटाने के 5 लाख, अच्छा, मिलते हैं शादी करने के 5 लाख मिलते हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देने के, अच्छा, तो ये सब चीजें कई जगह आई, अच्छा, और उसके बाद लव जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कानून बना जिसमें उत्तर प्रदेश में एक सजा भी हुई। आज हम किसी के खिलाफ नहीं, हम लोगों ने कहा है कि भाई शादी कर रहे हैं आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना, और उस लड़के के खिलाफ जो है उनको एक शब्द नहीं निकला कि वो कम से कम 10 और या 15 और डेटिंग एप्स के में से जुड़ा हुआ था, सब में नया नंबर इस्तेमाल करता था, रोज खुलासे हो रहे हैं जी। अशोक गहलोत जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका तुष्टीकरण का बड़ा पुराना इतिहास है, इन्होंने तो वो कांड किया है गौरव भाई तुष्टीकरण में कि जो नवाज शरीफ और इमरान खान और वहां पर पाकिस्तान में लोग नहीं कर पाए। अच्छा, पाकिस्तान में एक हिंगलाज माता का मंदिर है जी, आज तक वहां पर किसी को पूजा करने से उन्होंने नहीं रोका जी, लेकिन जी, पूजा धार्मिक जो हिंदू है वहां पर धार्मिक आस्था का प्रतीक पूजा करते हैं जी, लेकिन आज जो है एक यहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है राजस्थान जी, में जी, नवरात्रि के पहले वहां पर एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है, अच्छा, कि मंदिर में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। अच्छा, तो ये क्या है? तुष्टीकरण। और उसके बाद जब रमजान आता है तो रमजान में क्या कहते हैं कि रमजान में बिजली नहीं कटेगी। दूसरी चीज मैं बताता हूं, एक ही दिन 3 मुस्लिम के बच्चे डूबकर मरते हैं और 2 हिंदू के बच्चे डूबकर मरते हैं जी। तीनों मुस्लिम के बच्चों को वहां चिरंजीवी योजना कोई है, दुर्घटना योजना कोई है, उसमें 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं जी। और हिंदुओं के बच्चों को 1 रुपया 5 रुपया भी नहीं दिया जाता है। भूल गए होंगे, ये है अशोक गहलोत की सरकार, भूल गए होंगे, ये है तुष्टीकरण का मामला। अच्छा, तो वहां पर तो सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। PFI का मार्च कोटा में जो आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, अच्छा, उसका मार्च कोटा में निकालने की अनुमति दी इन्होंने जी। महाराणा प्रताप के किले कुंभलगढ़ में इन्होंने मुस्लिम सम्मेलन की इजाजत दे दी। अच्छा, जहां पर जो है हर हर महादेव गूंजता था वहां पर। उसके बाद अरे गंगा जमुनी तहजीब बढ़ा रहे होंगे ना जी, गंगा जमुनी तहजीब बढ़ा रहे होंगे। अरे गंगा जमुनी तहजीब तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 100 करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए देते हैं कि वहां बाउंड्री कराया जाए, और मदरसों को देते हैं तो अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, उनको क्यों नहीं दिया है? यार भूल गए होंगे, कौन सी गंगा जमुनी तहजीब बढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, और इसमें अशोक गहलोत जी माहिर है। इस समय वो कैसे कह सकते हैं कि एक बेटी की साजिश के तहत जी उसको 35-36 टुकड़ों में काट कर उसको फेंका गया, और वो एक काम किया गया एक मुस्लिम लड़के के द्वारा जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, और ये एक हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये साजिश की जा रही है। ठीक है भाई, ठीक है सुनो भाई, इमरान भाई, भाई दिल्ली में जो मामला है तो थोड़ा चर्चा में आप भी जुड़ जाइए भाई। कैसे देखते हैं अशोक गहलोत के इस बयान को? क्या इससे आने वाले समय में कांग्रेस को कोई दिक्कत होने वाली है? मेरे ख्याल से इस समय इस बयान की आवश्यकता नहीं थी। अब क्यों दे दी? अश्विनी भाई तो बोल रहे तुष्टीकरण की राजनीति उनकी पुरानी आदत है, वो आगे भी करते रहेंगे जी। नुकसान कांग्रेस के पास बचा क्या है नुकसान होने के लिए? अच्छा, और ऐसा मत बोलिए भाई, राष्ट्रीय पार्टी है भाई, ऐसा मत बोलिए इमरान भाई, ऐसा मत बोलिए कि बचा क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश की जनता का जवाब है ये। अच्छा, जहां जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, हाँ, वहां के वोटर्स का ये जवाब है। ये इमरान लतीफ नहीं बोल रहे हैं, अच्छा, ये देश की जनता बोल रही है। दूसरी बात जो है, ये पूरा मामला अपराध से जुड़ा हुआ मामला है जी। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज बात है, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि 2 प्रमुख पार्टियां जो देश की हुआ करती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी एक पक्ष को लेकर करती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे पक्ष को लेकर करती है, और ये बात सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित रहती है दोनों ही मामलों में। कोई किसी का हमदर्द नहीं है,
सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों ने अपने पाले बांध के रखे हैं, वो उनकी हमदर्दी की बात करते हैं, वो उनकी हमदर्दी की बात करते हैं, और दोनों ही पार्टियों ने दोनों ही तबकों को ठगने का काम किया है, दोनों ही तबकों के साथ धोखा करने का काम किया है, ये अभी तक बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देता है। जहां तक इस मसले की बात है, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये एक जघन्य अपराध है और इसमें जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जा सकती है वो सजा आफ्ताब को मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक नजीर स्थापित हो सके, एक उदाहरण स्थापित हो सके, ताकि इस दिशा में दूसरा कोई भी नौजवान सोचने के बारे में हजार बार सोचे इस तरह का कोई अपराध करने के बारे में। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड पार्टी इस तरह की राजनीति में पड़ना नहीं चाहती है कि किसी मसले को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जाए। अच्छा। आम आदमी पार्टी सीधे मुद्दों की बात करती है और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का रहा है। अच्छा। कि इन दोनों पार्टियों ने फिजूल के मुद्दों में देश को उलझा के रखा और मेन मुद्दों से देश को भटकाने का काम किया है। भाई आप दोनों उलझाते हो, फिजूल का काम किया है। आज महंगाई पर बात होनी चाहिए। जी गौरव जी, जी हमारे भाई जो है बोल रहे हैं, इतना उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सामने दिख रहा है। जी कसम खाकर कहते रहे कि भाई हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन उस बंगले में 10 करोड़ का प्यूरिफायर लगवा लिया और पराली जो है जलती थी वहां पर, कहते थे पंजाब से आ रहा है, अब कहां से आ रहा है, 10 करोड़ का आता है, ये इतने रुपए जो है जा रहे हैं गुजरात चुनाव में, क्या स्थिति हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग बहकाने फुसाने का काम ये कर रहे हैं, ये भी सुष्टीकरण का काम करते हैं, बोलने की मशीन है। इन्होंने भी दिल्ली में रहकर दिल्ली में क्या क्या कांड किए, शराब पिलाया जनता को, दिखाई दे रहा है। क्या इनके झूठ को सुन ले? आम आदमी पार्टी भाजपाइयों के झूठ को नहीं सुनेगी। अच्छा। 10 लाख में कौन सा प्योरीफायर आता है बता दे जरा सा हमको। जी अरे कोई आता होगा भाई, कुल मिलाकर ये मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। पूरे दिल्ली को 10 लगवा लिए होंगे ना, 10 लगवा लिए होंगे दिल्ली की चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ इन्होंने उनके उनके बंगले में लगा हुआ है प्यूरीफायर, लगा हुआ है, हमने मैं देखे नहीं, जो बंगला ये नहीं ले रहे थे जी, रोज कोई ना कोई नौटंकी कर रहा है, मनोहर कहानियां सुना रहे थे जनता को। बंगले का मुद्दा नहीं है, बंगले का मुद्दा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा भी मौजूद है। कैसे देखते हैं आप, महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा का विषय है, और जिस तरह से यहाँ पर अशोक गहलोत का बयान, हालांकि मुद्दा बहुत सरगर्मियों में है, जब से घटना का खुलासा हुआ तब से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस तरह पर मुद्दे पर बयानबाजी होनी चाहिए, और जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये मुहिम चल रही है हिंदू लड़कियों के खिलाफ, उनको भड़काने की, उनको बाद में हत्या करने की, कैसे देखते हैं? जय श्री राम, हर हर महादेव कहते हुए इस बात में कहना चाहूँगा, अभी थोड़ा ये भी बात चल रही थी, हमारे मन्नू त्यागी जी कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कि देश में और मुद्दे हैं, बेरोजगार की समस्या और सारी चीज़ें हैं, तो इस पे नहीं, लेकिन अभी वास्तव में वो मुद्दे तो हमेशा चलते रहेंगे। प्रश्न ये है कि श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा गया, ये क्या है? अगर मैं कुछ चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि हम खुद अपने तरफ से नहीं जी, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं जी, जो विद्वान हैं जी, चाहे वो वसीम रिजवी जो चेयरमैन रह चुके हैं वक्फ बोर्ड के जी, और सुबही खान है, चाहे तारक फले और उसके पश्चात तस्लीमा नसरीन है, अनेकों लोग हैं जी, ये लोग अभी एक वसीम रिजवी ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया था जी, कि कुरान के अंदर 29 ऐसी आयतें हैं जो मानवता के खिलाफ है, ये उनके तरफ से, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक ऐसी चीज पैदा करते हैं जो मानवता के खिलाफ जाता है। अच्छा। अब इसको कोई सही और गलत कहे तो उसके लिए मैं कुछ और बातें कहता हूं जी। बॉलीवुड को ले लीजिए, सुनील दत्त नरगिस से, आदित्य पंचोली जरीना जवाहर से, सचिन पायलट सारा अब्दुल्ला से, मनोज वाजपेयी सवाना रजा से, शिरीष कुंदर ने फराह खान से, क्रिकेटर अजीत आगरकर ने फातिमा घड़ियाली से, सुनील शेट्टी ने माना गादरी से, अतुल अग्निहोत्री ने सलमान खान की बहन अलवीरा खान से, जो अनेकों लोग हैं जी। और इन सबका जो जितने ये सब मैंने हिंदू एक्टर की बात की और जितने मुस्लिम एक्ट्रेस से विवाह की, ये पूरा का पूरा जीवन इनका विवाह चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई सूटकेस नहीं, कहीं कोई फ्रिज नहीं, कहीं कोई छत से गिरना नहीं जी। लेकिन वहीं पे जी बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान हमें आमिर खान देते हैं, सत्यमेव जयते बनाते हैं। अच्छा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहली पत्नी का क्या होगा कोई ख्याल नहीं, दूसरे का क्या होगा, फिर अपनी
मतलब बेटी की उम्र से जैसे सैफ अली खान है, अमृता अरोड़ा से, फिर उसके पश्चात फिर करीना खान से, और उसके पश्चात गजब की बात यह है कांग्रेस से है जी, जब करीना कपूर शादी करती है तो बेटा जो है वो तैमूर खान पैदा होता है, लेकिन जब इंदिरा गांधी शादी विवाह करती हैं फिरोज खान से तो बेटे ब्राह्मण बनते हैं, मतलब ये भी बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा। लेकिन प्रश्न ये है एक बात सिर्फ कि अगर जो उन्होंने कहा, मैं पहले उस पर आ जाऊं, अशोक गहलोत ने कि ये धार्मिक मुद्दा क्यों दे रहे हैं, ये तो ऐसे झगड़ा हो गया, तो माननीय बहुत समझदार बनते हैं अशोक गहलोत, तो उनको मैं ठिकाने लगा दूं उनका दिमाग, कि जो ये बात कहा उन्होंने, हर बार श्रद्धा, निधि, अंकिता, नूपुर, पूजा, गीता, ट्विंकल, ये बार बार यही सूटकेसों में क्यों मिलती हैं और फ्रिजों में यही क्यों मिलती हैं, छतों से यही क्यों गिराई जाती हैं। और अभी हमारे अश्विनी साहिब जी ने जो बात कहा, मैं उनका समर्थन करता हूँ, जो अच्छी बात होती है न्याय संगत उसका मैं समर्थन इसलिए करता हूँ कि वास्तव में ये बात आज कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं से आ गई, ये बार बार ये बातें आ रही, एक नहीं सैकड़ों हजारों की, इस पे बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए, हिंदू लड़कियों का सील हरण करने के लिए, उनसे विवाह करके उनको मारने के लिए, उनके बच्चे पैदा करने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए, एक सीरियल से एक घटना कहीं किसी का। और मैं एक प्रश्न करता हूँ कि हर बार श्रद्धा ही क्यों, निधि क्यों, सबाना क्यों नहीं, आसिफा क्यों नहीं, और सर ये मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं, एक भी ऐसी घटना नहीं है, लेकिन सैकड़ों हिंदू लड़कियां रोज, आज अभी फिर आगरा में एक सूटकेस में मिली है, उसके पहले उत्तराखंड में सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं जी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और कुरान जी। कुरान के अंदर मैं कहता हूँ, हमारे वहां हिंदी में कहा जाता है कि जिस आगे शब्द के आगे कु लग जाए, जैसे कुविचार, कुकर्म, तो अब एक बात यह है कि ये एक बात ये है, मैं मर्यादक वाली बात हूँ कि इसमें अगर ये कहा जाए कि बोल के धार्मिक, हाँ अब एक बात ये है कि जिस उनके चेयरमैन ने एक बात कहा, मैं भी नहीं कहता हूँ, वो तो चेतन चाहिए बढ़ गया ना, जो इस्लाम से हैं उन्होंने एक बात कहा कि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो मानवता के सख्त विरुद्ध हैं और इससे एक नया महाभारत जन्म होगा, इसलिए इसको बदल दिया जाए मानवता के हित में। अच्छा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने उस मुकदमे को कहा धार्मिक मामला हटा दिया, जबकि दीपावली हुआ, जल्लीकट्टू हुआ, अनेकों अभी पटाखे फोड़ जाएंगे दीपावली पे, तो माननीय को जो बहुत समस्या होगी। अच्छा। अरे भाई जब वो भी तो धार्मिक मामला है जी। जब ये अभी नव वर्ष पे एक 31 को अनेकों 190 देश हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, अनेकों आतिशबाजी होगी, अनेकों पटाखे दगेंगे, तब प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन हम दीपावली पे 4 पटाखे तो प्रदूषण हो जाएगा। अब क्या कारण है, यूपी में दीपावली पे पटाखों पर रोक नहीं था, लेकिन दिल्ली में होता है, क्योंकि वहाँ माननीय केजरीवाल जी हैं, वहाँ पे वो मौलानाओं को तनख्वाह देते हैं, अच्छा, मोमिनों को, लेकिन पुजारियों को 1 रुपया नहीं। अब यहाँ पर इक्वलिटी, यहाँ पर जो है वो मेरा प्रश्न है कि इस एक देश के अंदर 1947 में देश का बंटवारा होता है, उन्हें 2 देश मिलते हैं, हमें एक भी देश नहीं मिलता, और उसके पश्चात सेकुलरिज्म के नाम पर हमें सिर्फ चला जाता है। आज अशोक गहलोत सिवाय, अगर ये तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के राह पे हैं, अनेकों मंदिरों में अनेकों हत्याएं, अनेकों कांड हैं, और उसके पश्चात वो गलत तुष्टिकरण वाला पे, वो तो जनता अभी बहुत जल्द बताएगी, ये चिंता ना करें। अच्छा। अशोक गहलोत को उनके अवकाश समझा दिया जाएगा, ये चिंता मत करें। ठीक है। लेकिन ये बात जो है, राजनीतिक लोग, मैं संत हूँ, राजनीति बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात और है, ये राजनीतिक लोग बार बार ये हिंदू बेटियों की जो हत्या हो रही है, और ये बार बार जो मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर चले जा रहे हैं और हिंदू बेटियों की हत्याओं पे चुप रहते हैं, यहाँ पर वो श्रद्धा जिसका हत्या हुआ 35 टुकड़े, वो दलित थी, लेकिन मुझे शर्म इस बात पे आ रही है कि आज जितने दलित नेता के हिमायती अपने आप को बनते हैं, उस लड़की के मरने पर एक नहीं बोले, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम्हें एक लड़की का, उस समय अभी यही बात यूपी में होती, कोई सवर्ण वहां पर होता तो अपने आप चिल्लाते रहते, अरे सवर्णों ने ये कर दिया, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। अच्छा। लेकिन आज वो सारे दलितवादी नेता कहां चले गए, उस श्रद्धा के 35 टुकड़ों पर, एक भी 35 के जगह पर एक भी बयान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मामला धार्मिक है, और धार्मिकता से प्रेरित है, मजहब के उन गलत संदेशों से, गलत विचार से, और ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। और यहाँ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके लिए कुरान की कुछ आयतें हैं जिम्मेवार। हमने किसी एक मौलाना से पूछा, मेरे पास उसका पूरा बयान है, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है, बोले भाई संत जी आप इसे हमें माफ करिए, मैंने कहा क्यों, बोले हमारा मज़...
इजाजत देता है कि काफिर को मार दो उसकी बेटी का के साथ, वो सारी चीजें मैं कह नहीं सकता, वो हमारा मजहब इजाजत देता है। ठीक, ठीक, तो एक बात है, इसको धार्मिक मामला है और इसको हमें बरगलाना और अब इसको संभालने का और बदलने का मौका आ गया, अन्यथा अंजाम आप स्वयं देखेंगे। ठीक है, ठीक है। नईम भाई कैसे देखते भाई, यहाँ पर बड़ा मामला है, जिस तरह से यहाँ पर महादेव बाबा ने कहा है कि ये धार्मिक मामला है और जिस तरह से यहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है और वो सारे लोग चुप हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। मैं गौरव जी आपसे कहना चाहता हूँ जी कि जब जब इलेक्शंस आते हैं अच्छा तो यहाँ एक तो इतना बड़ा देश है हमारा, एक ना एक मुद्दा होता ही है अच्छा। और कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उनको घुमाया जाता है। बाबा साहब का मैं बड़ा आदर करता हूँ और सभी जितने डिबेट में सबका आदर करता हूँ। बाबा जी ने जो अभी हिस्ट्री बताई है तो बहुत थोड़ी सी कम बताई है, गलत भी बताई है, वो भी मैं भी आप डिफाइन कर दे रहा हूँ। आप ये बताइए, रामविलास पासवान की पत्नी कौन थी? अच्छा, अशोक सिंघल की लड़की किससे शादी हुई? अच्छा, और अब्बास नकवी की बेगम कौन है? अच्छा, आप ये बताइए, शहनवाज की बीवी कौन है? अच्छा, शाहरुख की बीवी कौन है? आप ये बताइए, या अजहरुद्दीन की बीवी कौन है? ठीक। क्या इनसे किसी से कोई अभी तक के कोई शिकायत मिली है आपको? नहीं। आप बताइए हमें गौरव जी। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं सुनिए, लेकिन कर रहे हैं। किसी भी धर्म में जो गलत करता है वो धर्म नहीं, वो अधर्म का आदमी है और उसको उसके साथ में उसको गलत सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। ठीक। और किसी के मजहब किसी को नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। अच्छा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था वो आज मैं उसकी वो करता हूँ, इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि हम इस हिंदुस्तान के गंगा जमनी की सभ्यता को मैं कायम करो, तो ये हिंदुस्तान के अंदर नेता लोग कहा करने दे रहे ना भाई, आप जरूर क्या समय नहीं नहीं आप लोग जब जब कुछ लोग जो कुछ भाजपा के लोग जैसे अभी कहने लगे, अभी अभी अश्विनी जी ने कहा जी। कि इनको मदरसे में इतनी प्रेरणा मिलती है, 50,000 रुपए मिला। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि आप ये बताइए, मैं अभी इस वक्त आया होगा ना सबूत, कुछ आया होगा तो उन्होंने कहा है, जिसने पाकिस्तान का नक्शा बनाया, जिसने पाकिस्तान से वो किया, कितने ऐसे लोग हैं इनके भी धर्म में। अब आप ये बताइए कि सारे आप साची महाराज हैं और कितने लोग हैं इनके, आप पहले उनको अब दिखा दीजिए कि कहां से कहां गए और कहां से कहां चले गए, कितने समझौता एक्सप्रेस और जितने भी भाजपा ने किए हैं जी। वो चाहे चाहे बस यात्रा कराई हो, अटल बिहारी ने करवाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर को जो उसको दिया वो भाजपा ने किया। सबसे ज्यादा अगर बिरयानी भी खाई तो आपने अटल, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने खाई, किसी कांग्रेस या और किसी के लीडर ने नहीं खाई, जितने ये उनसे पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान आप क्या कांग्रेस के बहस समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? मैं कांग्रेस के भी नहीं करता, ये दोनों पार्टी कांग्रेस को जो सत्य की बात है वो कहेंगे मैं उसके पीछे हूँ। अच्छा, सारे इमरान भाई बोल रहे सारे इमरान भाई बोल रहे ट्रेन का समझौता एक्सप्रेस सारे निकालने वाले हमारे माननीय अटल बिहारी से। अच्छा, विदेशों को मुसलमानों से जोड़ने वाले पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खुश होने वाले अटल बिहारी थे हमारे। नहीं जी ने अभी दिखाया पासवान जी का, अनेकों लोग इसमें से एक भी व्यक्ति दोबारा विवाह नहीं किए, जितने लोगों ने मुस्लिम लड़कियों से विवाह किया। एक मिनट पूरी बात सुनिए, लेट कंप्लीट। कई भी नहीं है पश्चात रामविलास पासवान की जी, रामविलास पासवान की, चाहे वो सैफ अली खान बार बार और शादियां और उसके पश्चात एक बात सबसे बड़ी बात छोड़ते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक ही बात नहीं जिसे कह रहा हूँ जी, ये सूटकेसों में हर बार श्रद्धा क्यों, ये छत से हर बार निधि क्यों, ये अंकिता क्यों, ये ट्विंकल क्यों, गीता क्यों, ये मतलब साजिदा क्यों नहीं? अच्छा, और कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं? ये बार बार, अगर चलो मैं हम ये कहते हैं भाई चलो अपवाद हो गया, एक कोई घटना घट गई, दो घट गई, तीन घट गई, चार घट गई, सैकड़ों हजारों घटना, हर बार गीता ही क्यों, निधि ही क्यों, श्रद्धा ही क्यों, तब ये सोचने को बाध्य हो जाना पड़ता है कि इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश और एक मजहब का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाता है। नहीं जी एक बात बताइए, बस इतना ही बताइए, हर बार श्रद्धा क्यों? आप ये बताइए कि बिल्किस बानो कौन थी? 11 लोगों को सजा हुई, 11 लोगों को मतलब फांसी की सजा हो गई, उसके बाद में वो फिर बैक आ रहे हैं और जब वो जा रहे हैं क्षेत्रों में तो उनके मालाओं से
और उनकी बड़ी उससे खूब हो रही है, कहीं वो तमाशा बज रहा वो हो रहा है और कहीं मतलब वो डेगे बज रही हैं, कहीं पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर सजाए जा रहे हैं, गलियां सजाई जा रही, साहब वो तो लग रहा है तीरथ करके आए हैं, हाँ। तो उनको वेलकम किया जा रहा है। अच्छा। हम तो कहते हैं ऐसे को देश को निकाला होना चाहिए। हम बिल्कुल सुन लीजिए, पहले बाबा जी को भी मालूम है, भाई बोल देते, बाबा जी को मालूम है, राजेश जी ने, राजेश जी नाम का जो था जिसने 85 टुकड़े किए थे उसने तंदूर में जलाया था, वो कौन था? अच्छा। और आज से वो लड़की वहाँ कश्मीर की थी, 7 साल की थी। नहीं नहीं, आपने ये मानते हैं, आपने ये नहीं 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 कुरान ये नहीं कहता आप गाली किसी को मत दो, वो गाली पलट को देगा। वो भी मेरे लिए, आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूँ हर बार निधि मरे कोई बात नहीं, अरे सारा भी मरती है, उसके लड़के को मार दिया, कोई नहीं चाहिए, तंदूरों में डाल दिया गया भाई। मेरा मानना तो है कोई नहीं मरे भाई, सारा कोई भी नहीं मरे, जो इस तरह की घटना हो रही है इनका अंकुश होना चाहिए। वो भी मरते हैं मेरे देश के, उसके पश्चात। अभी अश्विनी जी ने एक बात कहा, अश्विनी जी ने कहा कि, और ये बात यहाँ नहीं है, आप कितनी भी बातें कर ले सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये पूरे देश में इस समय जन जन में सब सुगबुगाहट है कि ये 5 लाख रुपया धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदू लड़की को पटाने के लिए, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए, एक नहीं सैकड़ों में उदाहरण आपको मिलेंगे। तो हमारे मौलाना ने वहाँ पे कहा कि भाई तुम लड़की हिंदू को पटाओ फसाओ, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, 5 लाख 10 लाख 5 लाख 50 हजार और मोबाइल दिया जाता है, हर सुविधा दिया जाता है। लड़की हिंदू होनी चाहिए, पटाओ, हर प्रकार से उसको फसाओ, उसका इज्जत का शोषण करो, उसके बाद काट के उसको और सारी कानूनी सुविधा। और एक बात और गजब की बात है, ये है एक अंदर का और षडयंत्र, तो देखिए कि जब ये चीजें होती हैं, और ये अभी भाई साहब नईम जी कह रहे थे, हर बार उस लड़कों को बचाने के लिए मुस्लिम और ये संगठन वक्फ बोर्ड क्यों सहयोग दे रहा है, क्यों ऐसे कांग्रेस के नेता उनका केस लड़ने आ जाते हैं, तो ये प्रश्न होता है। गहलोत जी तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बाकी मेहमान भी गौरव जी अभी मड़ियाओं में खड़ा हुआ है करीब 2-3 महीने हो गया भाई, हो गया मुस्लिम लड़का, वो हिंदू लड़का हो गया। आमिर भाई, भाई यहाँ पर राजनीति चलो ठीक है, चुनाव पास आ गए, पर ये कैसी राजनीति है कि आप किसी अपराध को अपराध नहीं समझ रहे हो, आप बोल रहे हो पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। अरे पक्ष अगर मुस्लिम है तो टारगेट वाली कौन सी बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधी तो अपराधी होता है, पर इस तरह के बयानबाजी जरूरत क्या है? अमर भाई, बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने इस चर्चा में शामिल किया। मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा कि नफरतें बांटता फिरता है बड़ा ज्ञानी है। अच्छा। नफरतें बांटता फिरता है बड़ा ज्ञानी है, इससे बेहतर था मेरे यार तू जाहिल होता। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं गौरव जी, ये सब पढ़े लिखे द्वारा उलझाई गई है। अच्छा। इसमें जाहिल लोगों का, अशिक्षित लोगों का कोई योगदान नहीं है, इसमें पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित लोगों का, एजुकेटेड लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है इसको उलझाने के लिए। अब अशोक गहलोत ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया, मैं देखिए एक चीज तो बड़ी ईमानदारी से है कि किसी भी अपराध को जी गौरव जी जब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाएगा जी तो वो न्याय संगत कदापि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और उसमें विवाद पैदा होगा जी, उसमें बदबू ही आएगी, ये मान के चलिए। हमारे बाबा जी ने, महादेव बाबा जी ने कम से कम दर्जन भर नाम गिनाए हिंदू एक्टरों के, जो मुस्लिम औरतें उनके पास हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं। हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट बैठे हैं नईम सिद्दीकी साहब, इन्होंने भी आधा दर्जन नाम गिना दिए जिसमें मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू लड़कियाँ हैं। ठीक बात है, देश हमारा है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। और जहाँ तक हमारे अश्वर जी ने लफ जिहाद का नाम लिया, तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट से कह दूँ कि सारे लफ जिहादी भाजपा में हैं, कहीं और नहीं है। कांग्रेस में एक लफ जिहादी आप नहीं दिखा सकते हैं। देखिए चाहे सिकंदर बख्त मर गए हों, चाहे शाहनवाज मौजूदा हों, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, इविंग धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने भी इस्लाम कबूल करने के बाद ही दूसरी शादी की थी। अच्छा। एक बीवी रहते हुए नहीं नहीं देख रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने भी जब शादी की थी तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया पहले, उसके बाद शादी की। तो जाहिर सी बात है हिंदू लॉ में यही नहीं कि आप एक बीवी रहते दूसरी शादी कर सकते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में है। हिंदू मुस्लिम पे ये नहीं आना चाहिए। अरे बाबा जी सुन लीजिए, हम लोग अज्ञानी है ना, आप तो ज्ञानी है, आप हिंदू मुस्लिम पे सुन लीजिए। अरे हिंदू मुस्लिम बाबा जी सुन लीजिए, बाबा जी सुन लीजिए, अभी आपने नहीं, अभी आप ज्ञान दे रहे थे।
काटूंगा। आमिर साबरी जी, अभी आप हिंदू मुस्लिम कह रहे थे, कोई नहीं होता। बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बाबा, लेकिन आप गलत कह रहे हैं, आप भी गलत कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं बोला, मैं सुनता रहा, अब आप माई सुन लीजिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम मत करिए, आप तो मानवता वाली बात कर रहे हैं ना, आप तो कुरान पे भी टिप्पणी करी आपने। अच्छा बाबा जी, हम कर रहे हैं ना, ध्यान ही है ना। अरे आप कितना कुरान पढ़े बताइए, आप कितना, हम वही 29 आयत पढ़े हैं जो वसीम रिजवी ने पढ़ाया है। आपको एक बात और वो मैं बोल दूं, एक आयत सुन लीजिए। हिंदू जो मूर्ति पूजक है, जब रमजान के पवित्र दिन बीत जाए तो उनको पकड़ो, उनको जबरदस्ती मुस्लिम इस्लाम स्वीकार करो, यदि नहीं तो उनको मारो, उनका कत्ल कर दो, और प्यार से नहीं, तड़फा तड़फा के काटो उनको। और एक बात और, जिस बकरे को प्यार से पालते हैं उसको काटिए ना। अगर ये आयत ना हो, बिल्कुल चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं, आपके बच्चों की बीवी की जिंदगी भर गुलामी करूंगा। एक बात, आप एक आयत पढ़ के बता दीजिए, आप एक आयत पढ़ के बता दीजिए, आप बाबा जी आप एक आयत पसंद नहीं करता, सुन लीजिए, आप एक आयत पढ़ के पूजकों को काट डालो, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कुरान पाक के अंदर ऐसी कोई आयत नहीं है, आप सुन, आप आयत पढ़ के बता दीजिए, लफाजी ना करिए, आप आयत पढ़ के बताइए बाबा जी, लफाजी नहीं, हां आप आयत पढ़ के बताइए, आप आयत पढ़िए, जिस आयत का आप ये तर्जुमा कर रहे हैं वो आयत पढ़िए। अरे छोड़िए उनकी आयतों को, आप छोड़िए, हम एक आयत की बात कर रहे हैं, सिंगल वन, मैं सिंगल एक आयत बता दीजिए, समझ में नहीं आता, सिंगल एक आयत, हम किसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल एक आयत बताइए, आप सिंगल एक आयत बताइए, अरे बाबा जी सिंगल एक आयत बताइए, सिंगल एक आयत बताइए, बाबा जी मैं जिंदगी भर आपकी आपके बच्चों को गुलामी करूंगा, आप एक आयत बताइए, पुराने पाक की एक आयत बता दीजिए, मार डालो काट डालो, देखो गौरव जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, आप इतनी बात करी मैंने सुनी, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए बाबा जी, बर्दाश्त करना चाहिए आपको, मैं आप बोला मैंने बोला, आप बोलते हैं मैंने बोला, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आप जो लफाजी कर रहे हैं चीजें बैठे हुए, पुराने पाक की एक आयत नहीं, हमें चुप रहो यार, आप पुराने पाक की सुनिए, एक आयत सुना दीजिए, एक आयत सुनाइए, आमिर जी सुनिए, नहीं बाबा जी पहले एक आयत सुनाइए, गजब की बात, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए भाई साहब, तीसरा सिपारा सही नहीं है, सुन लिया, पुराने पाक का तीसरा सिपारा, कुरान कह रहा है लाइक राम रिजवी जी के दीन को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, रिजवी जी ये बात कहते हैं, ना ना ना, आप किस इस्लामिक स्कॉलर क्या कहेंगे, वसीम रिजवी चोर क्या, बख्श चोर वो क्या कहेगा, और यही बात, अब आ गए आप, बख्श चोर है, अपने घर पे आ गए, ठीक है हो गया, आप ध्यान अपना प्रसाद, नहीं आप भी अपना ध्यान, हो गया भाई, आप झूठ बोल रहे हो, डिबेट खराब मत करिए, आप हिंदू मुस्लिम बनना चाहिए, डिबेट डिबेट खराब मत करिए, कोई तरीका और आपको ज्ञान हो गया, हो गया अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपने टिप्पणी नहीं करी थी, हो गया आप ज्ञान पे आ गए, किसी टिप्पणी करी, आप गलत बात कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं गलत बात, आप संत हैं, संत की हैसियत बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं आपके आपके विद्वान, मैंने आपने कुरान पे इतनी देर भाषण दिया और बदतमीजी करी, मैंने बोला नहीं नहीं, बदतमीजी वगैरह वाली बात ना कीजिए, मैं सुनता रहा, सुन लिया मैंने, नहीं सच्चाई है और आपके विद्वान ऐसा कह रहे हैं, एक आयत बता दिए पढ़ के, आप वसीम रिजवी से बात कीजिए, परले दर्जे का जाहिल है वो, अरे भाई यही तो बात है, अरे आपने बहस करी, सच बोलेगा जाहिल हो जाएगा, बताइए भाई, अरे एक आज भाई देखिए गौरव जी ऐसा नहीं होता है, आप वसीम रिजवी का बार बार नाम ले रहे हैं, आपने अरे वसीम बचे का जितने हमारे गीता में आपने जितनी बार बोला मैंने सुना, अरे मैं कह रहा हूँ माने बाबा सुन लीजिए, आप महादेव जी को मेरी बात सुनना चाहिए थी, महादेव जी को बोले फिर कह रहे 29 आए आते हैं, हम कह रहे हैं एक पढ़ के बताइए, हम एक बात बताएं, फिर आप जिस चीज को हम कह रहे हैं वो आप कुरान के बारे में आबासा नहीं जा रहा है, ये कुरान के बारे में आप एबीसीडी नहीं जानते, आप धर्म पे मत करिए, और हमारे नरसिंह सरस्वती से बात गलत है, हो जाएगा किसी से ऐसा नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूँ, जो सरस्वती आपके पास में बात करने को तैयार हूँ, मैं भी तो चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज कर रहे हैं आप, अभी भाग गए, खिलाफ आप अभी भाग गए, तो आप ये नहीं सुनिए, इस पे एक डिबेट हो गया, हो गया, और आप इसके ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, 29 आए थे बाबा जी, आप 29 को छोड़ दीजिए, कुरान से हटाना पड़ेगा, और अमर भाई प्लीज, नहीं एक बार जी सुन लीजिए, हर बार श्रद्धा आएगी जब सूटकेस में, हर बार निधि गिराई जाएगी छत से, हर बार अंकिता आएगी तो ये प्रश्न उठेगा, 70 टुकड़े गले थे तो ये प्रश्न उठेगा, ठीक है गौरव जी, और भी कहा नहीं भाई, सुन लीजिए,
ये बातें अच्छी नहीं होती बाबा जी। आप एक, मैंने आपको एक संत की तरह आदर किया, पूरी बात सुनी। जब मेरा मामला था बोलने का, बोलना चाहिए था। एक बात, पहली गलती तो आपने असभ्यता तो यही दिखाई, बिल्कुल असभ्यता दिखाई। दूसरी बात, आप एक मिनट, उससे बड़ा झूठ बोले 29 आयत के लिए। उसके बाद हमने कहा एक आयत पढ़ के बताइए, सुन लीजिए, एक आयत पढ़ के बताइए। आप सुनिए, सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, आप सुनिए, बाबा जी आपके मजहब से हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके मजहब से, आपके मजहब से हैं। मैं आयत पढ़ रहा हूं, आप तस्लीम आ रहे हैं, नसरीन तारक फते अली खान सुबोई खान सब लोग छोड़िए, सारे इस इस्लामी की आयत पढ़ रहा हूं बाबा जी। मैं और पाकिस्तान के लेकिन वो भी अगर हम बात सुनिए बाबा जी, मैं हर बार श्रद्धा ही क्यों, हर बार सूटकेस में श्रद्धा ही क्यों बाबा जी, फिर आप हिंदू मुस्लिम के जश्न, हर बार श्रद्धा ही क्यों, अपराधी होता है हर बार निधि क्यों, आफ्ताब हो चाहे राजेश चाहे पुष्पेंद्र आमिर जी, अब ये सड़क का चेहरा बदलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सुधार करना पड़ेगा। इन आफ्ताबों को, इन अब्दुलों को समझाना पड़ेगा कि ये हिंदू लड़कियों को काटना छोड़ो, अन्यथा इस देश के अंदर बहुत भयंकर समय आ रहा है। अगर ये हिंदू लड़कियां काटेंगी तो समाज बाबा जी, आमिर भाई प्लीज सुन लीजिए, गौर हो गया, हो गया। मैं बाबा जी को एक आयत पढ़ के बता रहा हूँ, ला इकराह फिद्दीन, तीसरा सिपारा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप जाइए तर्जमा पढ़िए। कुरान कह रहा है दीन को जबरदस्ती नहीं फैलाया जा सकता, तो अब आप दीन की बात तो छोड़, आप कुरान यही लाखों को मारा, औरंगजेब ने मार मार के झूठ बोलते हैं आप, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का सर कलम कर दिया, महाराज जी के बेटों को दीवारों में चुनवा दिया गया, कहीं एक भी संत ऐसा नहीं आता हिंदू राजा की किसी को धर्म मतलब परिवर्तन करने के लिए। भाई आप ही लोग बोल लीजिए, मैं क्या बोलूंगा, आप ही लोग बोल लीजिए, बंदा क्या तरीका है, ये इतना होगा, मेरी बात ऐसे नहीं होगा, मैं मुझे खराब के तोड़ कोई जवाब नहीं भाई, आमिर भाई आपके पास मेरी बात का कोई जवाब, डिबेट खत्म कर दूंगा, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं होगा, मेरी डिबेट में, मेरी डिबेट इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, प्लीज नहीं भाई, आमिर भाई प्लीज, बाबा जी प्लीज, बाबा जी प्लीज, आप औरंगजेब की भाषा बोलने वाले जी, आप लोग सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज, नहीं आप औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, बस बस आप लोग सभ्यता का परिचय दीजिए, मतलब औरंगजेब गलत, मेरी डिबेट खराब मत कर प्लीज, अरे औरंगजेब तो तुम्हारा इतना बड़ा पर्वत देख के गया, नहीं भाई, कैलाश पर्वत नहीं भाई, जिसपे शंकर भगवान उतरे थे, वो औरंगजेब काम करके गया है, आपको मालूम है, उसने चाइना से छीन के लिया था, औरंगजेब पहले पर्वत थे, जो अच्छाई होगी अच्छाई बताई जाएगी, और जो गलत होगी गलत बताई जाएगी, कोई मतलब नहीं, कोई डिबेट नहीं होगी, ऐसे कोई डिबेट नहीं होगी, मतलब क्या मेरे भाई, आपने बोली बाकी मेहमान किस लिए बैठे हैं भाई, खराब कर रखा डिबेट को आपने जी, आमिर भाई आपने बोल लिया, इनने बोल लिया, अब बाकी नहीं, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, नहीं भाई प्लीज, आमिर भाई प्लीज, अश्विनी भाई को लेंगे, ठीक है ठीक है, मैं आपसे आखिरी में बात ले लूंगा, अभी अश्विनी भाई बोले, अश्विनी भाई बोलिए, बोलिए अश्विनी भाई बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा, देखिए नाहक में, नाहक में किसी को इतना जो है झगड़ने की जरूरत नहीं है, डिबेट हो रही है, ये चर्चा है, चर्चा में एक हल निकलता है, और कहीं अभी हमारे आमिर भाई ने शायद कहा कि सारे लव जिहादी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, एक किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अपने पत्नी का धर्म परिवर्तन कराया हो, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में हो, अगर उसने दूसरे मजहब में शादी किया है तो धर्म परिवर्तन कराया, एक आदमी का मतलब अश्वनी जी, लव जिहाद आप तो फिर आप लव जिहाद की परिभाषा बदल देना, सुनिए, अरे सुनिए भाई, आप अब चिल्लाइए मत, मैंने आपको सुना, ध्यान से ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उत्तर प्रदेश में ही कानून बना है कि अगर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है या धर्म के खिलाफ कोई काम करता है तो उसके खिलाफ ही सजा है, 10 साल की, 5 साल की सजा अभी हुई है और जुर्माना भी है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं अपने स्वामी जी यहां बैठे हुए उनकी बात से जरूर सहमत हूं कि हिंदू लड़कियों को ही बराबर क्यों मारा जाता है। मैंने जो बात कहा साक्ष्यों के साथ कहा था, अभी एक व्यक्ति, एक लड़का पकड़ा गया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम क्या करते हो, तो कहा लड़की पटाने के मुझे 50,000 मिलते हैं।
लड़की से शादी करने के 5 लाख मिलते, पैसे कहाँ से मिलते हैं? उसने पूछा। काम होगा अश्वनी जी। अरे सुनो सुनो, अरे नहीं भाई, अब जेल में है लड़का। आमिर जी आप यानी आप नहीं मानेंगे तो भाजपा आईटी सेल का काम होगा। सुन लीजिए, भाजपा आईटी सेल का काम होगा ही होगा। आप वो मौलवी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, चलिए हटाइए। अरे इस तरह से तो काफी लोग चले जाएंगे जेल में। अरे अच्छा है, फिर अजान कौन करेगा? कम से कम धरती तो पाक हो जाएगी। अरे अच्छी बात है, चले जाए, मैं समर्थन कर रहा हूँ आपका। धरती साफ होगी उत्तर प्रदेश में, जो कानून भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने कानून बनाया है, धरती साफ होगी। आप ध्रुवीकरण, आप कहिए अशोक गहलोत जी से कानून बनाए अपने यहाँ, क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? अश्वनी जी, छत्तीसगढ़ में अभी हुआ, अभी बिहार के कटिहार में हुआ है, लड़की को गोमांस खिलाया गया है। आप लोगों ने ड्रॉप भी रखा भाई, अब चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं। नमस्कार आमिर जी, आप लोग चिल्लाइए। आमिर साहब आप चिल्लाइए, सच नहीं ऐसे झूठला सकते। आप लोगों ने झूठ बोलना, आमिर साहब चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, आप लोगों ने झूठ बोलना, सुधारना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, शोर मचाने से। अरे आप बदलाव, बदलाव क्या बदलाव? अरे आप क्यों चीख रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कटिहार में जूली को गोमांस क्यों खिलाया गया बताइए आमिर साहब। अरे आमिर जी, आमिर जी, आमिर जी, आमिर जी को मैं कहता हूँ, आप बताइए भाई, अभी अश्वनी जी ने एक बात कहा है, अश्वनी जी ने एक बात कहा है, मुस्लिम अगर आप बीजेपी लफ्जिहाद की पार्टी है तो एक भी बताइए किसी बीजेपी के एक भी नेता ने किसी एक मुस्लिम लड़की का कत्ल करके उसे सूटकेस में पैक हुआ, एक बताइए। सौ नहीं, अभी आप पूछ रहे थे ना, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, तो आप और आप नईम सिद्दीकी और आमिर साबरी जी कोई नहीं बता पाए, आप बोल नहीं पाए, इसीलिए आप झूठ बोलते हैं। आप नहीं बोल पाए, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी, एक नाम बताइए, आप चिड़चिड़ा गए। बीजेपी में एक नाम बताइए, सच ये आप चिड़चिड़ा गए। आप सत्ता से हाथ निकाल एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, उस टेंडर ने मारा, राजेश ने मारा, ऐसा है। अब आप जाके खोल के आइए, नहीं भाई, हम आपसे भी सहमत नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम की बातें ना करिए, बिल्कुल ये बाबा जी है, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है। आपकी मानसिकता ये नहीं होना चाहिए, आपकी मानसिकता ये होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी कास्ट का हो। हाँ नहीं, एक बात है, अगर नईम जी आमिर जी ने सही कहा, अगर ऐसा कहेंगे तो श्रद्धा मरती भी रहेगी और नाम भी नहीं होगा, हिंदू लड़कियां बचा भी रहेंगी, काम भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। नहीं बाबा जी, यही मानसिकता गलत है। के बारे में पहले बाबा जी बाबा जी, मैं दावा दे रहा हूँ, आप पहले कुरान पढ़िए, उसके बाद आप 29 छोड़ दीजिए। कुरान पढ़ लेंगे तो मेरा खून खोल उठेगा, इसलिए ना पढ़ाओ। कहेंगे भैया अगर हमें काफिर बना के मारने के बाद कोई कहेगा, बाबा जी सुन लीजिए, तो आपको मालूम। अरे सुनी तो, मैं आपको दावा दे रहा हूँ, कुरान पढ़िए तो आप मुझे गीता पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा आपकी संदेह वाली जयंती। आप कुरान पढ़िए, अगर 29 छोड़ दीजिए, अगर एक आयत ऐसी निकल आए जिसमें लिखा हो काफिरों को मारो कुछ लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी, जब आपकी जान पर बनाए तब आप हथियार उठा लीजिए, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन काफिर को मारना आज तक बिल्कुल, आज तक ये सनातन धर्म, सुनिए सनातन धर्म में जिसने कोई दोष नहीं किया है, मुद्दे पर हम आप राजनीति कर रहे हैं, बताइए। मैं बताइए, आप तीन लोग कर रहे हैं, क्या हो गया नहीं होगा? अश्वनी जी, अभिमन्यु भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और नहीं भाई प्लीज, बाबा जी से भी कहना चाहता हूँ, मैं हिंदी एडिशन की कुरान दूंगा और ये चीज दिखा दे। नहीं भाई, हो गया, अभिमन्यु भाई अपनी बात पूरी करिए, बोले बोले, ठीक है ठीक है अभी। अरे भाई, जिसका मुद्दा उसके पास तो सुन लीजिए, आप लोग डिबेट को खराब कर दिए। बोलिए अभिमन्यु भाई, बोलिए। श्रीवास्तव जी, मामले को बहुत ज्यादा एग्रेसिव उस पर चली गई है, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें भी कहना चाहता हूँ। आप एक पक्ष की बातें रख रहे हैं, मेरे पापा जी से निवेदन है, कृपया कुछ बातों पर भी गौर कीजिए कि अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन हुआ, उसमें जो मोस्ट वांटेड है सांप्रदायिक छवि का आदमी है जाकिर नायक, उसका इस्लाम पर प्रवचन के लिए आमंत्रित किया सरकार ने। अच्छा, लेकिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप धनखड़ जी गए। अच्छा, बोले आप देखिए ऐसी जगह जाना हुआ। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये देखिए इंटरफेथ रिलीजन के लिए फंड अलॉट किया है, जो कि 27 जून 2022 की खबर है।
अच्छा। तो आप देखिए उसमें 50,000 रुपए मिलते हैं इंटरफेथ, यानी अलग रिलीजन में अगर जाएगी। अच्छा। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में जी, महाराष्ट्र में अभी मैं दिखाता हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई का मामला है जहाँ SBI बैंक में फ्राइडे को ऑफ होने लगेगा, यानी जुम्मे पर ऑफ होने लगेगा, छुट्टी होने लगेगी। महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित सरकार है, केंद्र दिन की सरकार है। जहाँ तक देखिए श्रद्धा जैसे मामले हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है। श्रद्धा की दुर्घटना है क्या? श्रद्धा की दुर्घटना है क्या ये बताइए आप? वो ठीक है, वो ठीक है, मुझे पता है श्रद्धा की दुर्घटना है। इस पे कानून की जो धारा है उस पे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्घटना क्या बोल रहे हैं, अपराध बोलिए ना उसको। कहना चाहता हूँ कि निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए राजनीति करी नहीं, राजनीति जो बयान देखे की गई है मिजोरम प्रदेश का, बांटने का काम न किया जाए, जोड़ने का काम किया जाए। इमरान भाई बोलना चाह रहे हैं, निवेदन है, इमरान भाई क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। इमरान भाई बोलिए। इमरान भाई जी, गौरव भाई जी, आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए। गौरव भाई देखिए, ये इस तरह के मामले कब उठते हैं? जब चुनाव होता है। और आज मैं बहुत शालीनता से सुन रहा था, पूरी डिबेट मैंने सुनी, मुश्किल से 1.5 मिनट हम लोगों को बोलने का मौका मिला, 1.5 मिनट और बोलूंगा। सारे प्रवक्ताओं से गुजारिश है शांति से सुनेंगे। ये गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली का MCD चुनाव होने जा रहा है, और उस समय अशोक गहलोत जी का ये बयान आ रहा है। दरअसल देश की राजनीति में एक बड़ी रोचक चीज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इलू इलू चल रहा है। इलू चल रहा क्या? और आज बिल्कुल गुजरात चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है, MCD चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से हार रही है, गुजरात का विधानसभा चुनाव हार रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संकट मोचन बनकर आई है। एक ऐसा मुद्दा दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से खेल सकती है। तो कुल मिलाकर मुद्दों की राजनीति को किनारे करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हार के कलंक से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ नेता को इस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी अब जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए भी चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र काम हिंदुस्तान की राजनीति में रह गया है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई जाए। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपने नेताओं को भाजपा के हाथों बेच देती है, और चुनाव के बाद गौरव भाई और चुनाव के बाद अपने विधायक बेच देती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो इलू इलू चल रहा है, वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है। गौरव भाई एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक मिनट की बात है मेरी। गौरव जी अश्वनी जी, आप भाजपा के प्रवक्ता है सम्मानित, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक किताब निकलती थी सूचना विभाग से, सूचना विभाग माननीय मुख्यमंत्री का ही होता है, जो भी मुख्यमंत्री हो, पिछले 70 वर्षों से कंटिन्यू निकल रही थी, जिसका नाम है नया दौर। तमाम रिसर्च सेंटरों में भी मिलती थी वो, और तमाम कोर्सेज में भी शामिल है। पिछले 2 वर्षों से नहीं निकली है, हालांकि उसमें सरकार का कोई रोल मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो जो वहाँ स्टाफ है वही नकारा है। अच्छा। उसके लिए मैं सरकार को दोष नहीं देता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गौरव जी, अपने अश्वनी जी से सरकार तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि वो नया दौर को दोबारा, 2 साल से जो बंद है, मंथली मैगजीन है वो, अदब लोग अदीब लोगों के लिए बड़ा ही सरमाया है, अदीब लोगों का, कम से कम वो शुरुआत करा दीजिए। वो एक हट धर्म, एक कहना चाहिए हट्टी लेडी है, जिनकी वजह से वो नहीं निकल पा रही है। तो अश्वनी जी मैं आपसे मांग करता हूँ, सरकार द्वारा, सरकार तक इस चैनल द्वारा मेरी बात पहुंचाइए, और उसको आज श्री गणेश कराइए, उसको शुरुआत कराइए। ठीक है, आप सभी मेहमानों से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा तो यहाँ पर थी कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बयान कि श्रद्धा हत्याकांड दुखद घटना है, और इससे पहले भी धार्मिक विवाह होते रहे हैं, पर इस समय राजनीति में एक विशेष धर्म को लक्ष्य बनाया जा रहा है। बयान क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और राजनीति क्या है, उससे लेना देना नहीं है। पर जो घटना हुई है वो घटना सबके लिए निंदनीय है। इस घटना पर बड़े बड़े लोगों के बयान नहीं आए, उन लोगों के बयान जो हर एक छोटे छोटे मामले पर कहां कहां से कूद जाते थे, उनको बयानवीर कहा जाता था, पर न जाने
यहाँ पर आफ्ताब अमीन के बयान के बाद उन्होंने मौन क्यों धारण किया हुआ है? शायद कारण उस लड़के का मुस्लिम होना या उस लड़की का हिंदू होना, ये तो भगवान नहीं जानता है या फिर जानता है ऊपर वाला। व्यवस्थाएं क्या है, राजनीति क्या है, धार्मिक मुद्दे क्या है और आरोप प्रत्यारोप क्या है, ये तो हमारी राजनीति की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। पर जब यहाँ पर हत्या लड़की की होती है तो वो किसी भी धर्म से हो, वहाँ पर बयानबाजी ना करके जरूर शोक बताना चाहिए और वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सभी लोगों के बयान, जो बड़े बड़े मामले पर बयान देते हैं, तो शायद ये मुद्दा उतना गर्म हो ही नहीं पाता। पर जिस तरह से यहाँ पर जो वो बुद्धिजीवी वर्ग जो हर एक छोटे छोटे मामले में बयान देने आगे आ जाता था, अब तक शांत है, ये प्रश्न जरूर सामने आ रहा है। फिलहाल ऐसे अपराध को करने वाला एक राक्षसी कहा जाएगा और फिर कहने वाली बात तो एक स्पष्ट है कि वर्ग विशेष का हो या हिंदू धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।